लॉकडाउन को खोलने की दिशा में रेल मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। 1 जून से रेलवे 200 नॉन एयर कंडीशन स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया। भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर देश में जहां तहां फंसे लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले से चला रहा है। उसके अलावा 15 जोड़ी स्पेशल एसी ट्रेन भी दिल्ली को देश के अलग अलग हिस्सों से जोड़ रही है। इन 30 ट्रेनों में आम नागरिक सफर कर सकते हैं। रेलवे धीरे धीरे ही सही लेकिन ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। पीयूष गोयल ने यह कहा कि इन 200 नॉन एसी ट्रेनों के टिकट की बुकिंग जल्द शुरू होगी। सभी ट्रेनों की बुकिंग ऑनलाइन ही शुरू होगी, यानी रेलवे काउंटर से इनमें रिजर्वेशन नहीं हो सकेगा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए ऋषभ, बहुत राहत की बात है, 1 जून से जो रोज 200 नॉन एसी ट्रेन चलेंगी, ये काफी राहत की बात है। बिल्कुल मनीषा, देखिए अगर श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलने के बाद जो भारतीय रेल है वो धीरे धीरे पटरी पर आती दिखाई दे रही है। इसमें जो 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलेगी उससे कहीं ना कहीं श्रमिक और जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं उनको फायदा मिलेगा। और इसकी पूरी जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट में लिखा था कि 1 जून से इन सभी ट्रेनों का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर रेल मंत्रालय का ट्वीट देखा जाए तो उन्होंने भी ट्वीट करके जो श्रमिक है, जो लोग हैं जो अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं, उनसे साफ तौर पर कहा है कि आप धैर्य रखें, आपको एक स्थान से आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। जी मनीषा, बिल्कुल ऋषभ, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें 1 जून से 200 ट्रेनें चलेंगी जो कि नॉन एयर कंडीशन होंगी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया है।